हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं रागी चकली स्टेक, मठरी भुजिया, लेकिन रागी यूज करके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप रागी पाउडर लिया है, कोशिश करिएगा फ्रेश। आधा कप आटा लिया है और आधा कप आपको चावल का आटा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रागी ग्लूटेन फ्री है तो बाइंडिंग के लिए आटा मिक्स करना ही होगा। उसके बाद फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, सिसम सीड्स, वाइट तिल। फिर आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, नमक तो डालना होगा ही। फिर अगर आप चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जो फ्लेवर आपको चाहिए आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग 2 बड़े चम्मच घी लेंगे और इसका साथ साथ आटा लगाएंगे। तो जो क्योंकि हम लोग कोई चकली बना रहे हैं या भुजिया बना रहे हैं या मठरी बना रहे हैं, तो मठरी के लिए तो आटा नॉर्मल चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको सांचे का यूज करना है आपको आटा गीला करना है, क्योंकि अगर आटा गीला नहीं रहेगा, एकदम सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो आप चकली में नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं स्टिक बना रही हूँ तो मैंने ये वाला यूज किया है। एकदम सॉफ्ट लीजिएगा ताकि आराम से पुश हो सके। तो ये वाला जो सांचा है इसमें हम लोग जब बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये बंद होता है, और जब अंदर की तरफ घुमाएंगे तो इससे निकलना शुरू होता है। तो ये रेडी हो गया है, तेल मीडियम में ही रखना है। और अब क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन कलर है तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो लेकिन धीमे आंच में पकाना है। और पता कैसे चलेगा कि इसमें कब हो गया है? तो देखिए, अभी बहुत बबल्स है, फिर धीरे धीरे इसके सारे बबल्स खत्म हो जाएंगे। बीच बीच में पलट दीजिएगा, जब सारे बबल सेटल हो जाएंगे तो समझिए कि आपकी चकली हो गई है। तो ये देखिए, इस स्टेज में हम निकालना शुरू करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है। आप नॉर्मल बेसन का भी बना सकते हैं, बट अभी तो रागी को सुपर फूड की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत ही हेल्दी है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इस दिवाली जरूर ट्राई करिएगा। अभी भी टाइम है, जब सोचिए तब बना लीजिए, क्योंकि इसमें कोई रेस्टिंग टाइम नहीं है। हम लोग भुजिया भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं महीन साचा यूज करूंगी, तो भुजिया के लिए भी थोड़ा सबको और गीला रखना होगा, तभी ये निकलेगा। मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई नमकीन खाने वाला नहीं है, तो वो भी धीमे आंच में ही करना है। बट ये बहुत ही पतला है तो थोड़ा सा जल्दी होगा। जैसे ही बबल सेटल होंगे आप इसको निकाल लीजिएगा, प्रोसेस सेम है। तो बस ये हो गया, आपका रागी भुजिया भी रेडी है। आप चाहें तो ऊपर से नमक और पीनट रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब क्योंकि मैंने आटा गीला कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा और ये होल व्हीट फ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, तो आप इसको नाचोस भी बोल सकते हैं और हमारा टिपिकल मठरी भी बोल सकते हैं। बस हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अगर थोड़ा घी चाहिए होगा तो ऊपर से घी लगा सकते हैं, आप बेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल चौकी पे बेल कर इसके स्लाइसेस बना रही हूँ। और प्रिक करना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, नहीं तो ये फूलने लग जाता है। तो ये देखिए, आपको जो भी शेप चाहिए आप गोल भी कर सकते हैं। तो बस ये हो गया है, हम लोग प्रिक करके इसे भी मीडियम स्टीम में ही छानेंगे, और प्रोसेस अब सेम है, इसलिए मैंने इसे सब एक साथ दिखा दिया है। तो आपकी हेल्दी वाली रेसिपी बिल्कुल है, लेकिन हाँ, डीप फ्राई है तो आप चकली तो आपको फ्राई करना ही होगा, मठरी आप चाहे तो आप इसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्री में। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। बाय।